बता दूंगा दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से कि आज के मैच में कौन कप्तान बनेगा, कौन उप कप्तान बनेगा ड्रीम टीम में। दोस्तों अगर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा ट्रिक बता दे तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बात की गारंटी, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 100% कप्तान उप कप्तान का स्पेशल वीडियो मेरे ही चैनल पर आता है। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों टीम प्रेडिक्शन लाखों लोग देते हैं, मगर कप्तान उप कप्तान कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो कॉन्फिडेंस दोस्तों वो एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से बैट्समैन सेक्शन में दोस्तों ऑलराउंडर बनेंगे, या फिर दोस्तों आपको गेंदबाजी सेक्शन से वाइस कैप्टन बनेंगे 100% दोस्तों। पूरे यूट्यूब में जिस प्रकार से आईपीएल 2024 में कप्तान कप्तान आ रहे हैं, क्या गलती नहीं करनी, क्या करनी है नहीं करनी दोस्तों आपको दिखाएंगे और पूरी बताएंगे कि आखिरकार कप्तान कप्तान कौन से खिलाड़ी बनेंगे। बैटिंग पिच है आदर्श, तेज बॉलिंग को यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों अगर बात कर रहे थे महाराज यजविंदर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लनपुर मोहाली में है, और दोस्तों देख लिया बैलिंग मतलब बल्लेबाजों के लिए ये पिच काफी अच्छी साबित होगी। चलिए दोस्तों कप्तान कप्तान के दोस्तों पहले बनाने से पहले या कोई जीत बात करने से पहले कप्तान कप्तान का आपको बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद दिलाते हैं और 100% दोस्तों कप्तान कप्तान फंसाते हैं। बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद है हमारे टीम पर, और यहाँ पे सन्यासी बाबा का आशीर्वाद है, बालाजी सरकार का आशीर्वाद है, बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जा करके नाम जरूर लिखिएगा जय बागेश्वर धाम की, और 100% दोस्तों आपको कप्तान कप्तान हमारे प्रेडिक्शन बताए जाएंगे, टॉप 5 कप्तान कप्तान के प्रेडिक्शन दिए जाएंगे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सीवीसी बनाने की चिंता ही नहीं दोस्तों, टॉप 5 कप्तान कप्तान आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो बागेश्वर बाबा की जिम्मेदारी है, और वो आपको जरूर 100% कप्तान कप्तान इसी वीडियो से दोस्तों ड्रीम टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पिछले मैच में कुछ यहाँ पे कप्तान कप्तान कैसे बने, यहाँ पे मुकाबला होने वाला है दोस्तों, बात कर लेते हैं किसका किसका होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों पंजाब वर्सेस यहाँ पे दोस्तों आपको पता है सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा, और दोनों ही टीम दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कप्तान कप्तान पिछले मैच में जो हमने बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से बताया था कि रविंद्र जडेजा आज के मैच में दोस्तों अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और दोस्तों उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कप्तान कप्तान का प्रेडिक्शन बताएंगे कि दोस्तों 2-3 मैच में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने रविंद्र जडेजा कप्तान बने हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त उमदा प्रदर्शन किया है, और तुषार देशपांडे लाइव में हमने बताया था तुषार देशपांडे आज के मैच में 3 विकेट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि पूरे ड्रीम टीम में दोस्तों यहां पे रविंद्र जडेजा भी प्रदर्शन नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ कप्तान कप्तान का यहां पे कॉन्फिडेंस बताएंगे दोस्तों। देख सकते हैं अभी तक दोस्तों जो प्लेयर ड्रीम टीम में अच्छा प्रदर्शन किया था, देख सकते हैं रविंद्र जडेजा ने कितने विकेट झटके, 3 विकेट झटक दिए। अब दोस्तों यहां पे आपको कप्तान कप्तान दिखा दिए, इसके अगले मैच की बात करते हैं, उस मैच में दोस्तों कप्तान कप्तान किस प्रकार से बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हमारे टीम के फार्मूले से बनते हैं वो फार्मूला भी बताऊंगा आपको, 3-4 गलती ऐसी कौन कौन सी नहीं करनी है। और दोस्तों यहां पे देख सकते हैं यश ठाकुर यहां पे दोस्तों देख सकते हैं 346 दोस्तों यहां पे पॉइंट से कप्तान बने, और कुणाल पांडे वाइस कैप्टन। एक तरफ सभी लोग दोस्तों क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को कप्तान कप्तान बना रहे थे, निकोलस पूरन को, इन सभी खिलाड़ियों को, शुभमन गिल को दोस्तों कप्तान बना रहे थे, और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देख सकते हैं कप्तान कप्तान यश ठाकुर कुणाल पांडे बन गए। अब दोस्तों ये तो रहा पुराने मुकाबलों का नहीं स्कोर, वो कप्तान कप्तान आज के मैच पे कप्तान कप्तान किसको बनाना है वो दोस्तों बात करेंगे जबरदस्त तरीके। तो चलिए दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में अगर आप लोग कप्तान कप्तान फंसाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिखिएगा जय बागेश्वर धाम सिंह, जय बालाजी महाराज की। और आज के मैच में दोस्तों अगर आप लोग कप्तान कप्तान बनाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा लोग कप्तान किसको बनाना चाहते हैं वो भी दोस्तों बताएंगे। चलिए दोस्तों एक खिलाड़ी हमने यहाँ पे ले लिया, आप कप्तान कप्तान का पूरा रामबाण तरीका बताएंगे, फार्मूला जबरदस्त तरीके से आपको ड्रीम टीम में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या गलतियां नहीं करनी ड्रीम टीम में दोस्तों, अगर आप लोग ड्रीम टीम में सीवीसी फंसाना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप लोग दोस्तों सी और वीसी फंसाना चाहते हैं अपनी टीम में, तो 100% दोस्तों ये फार्मूला आपको याद रखने होंगे। अगर आप लोग ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे और आपके ड्रीम टीम में नहीं आते दोस्तों, तब आप लोग देखना कि किस प्रकार से आपको फंसा कर दिए जाएंगे। आप लोग दोस्तों कुछ भी लिख देना, मगर दोस्तों 100% आपको सीवीसी फंसेंगे। अब गलती क्या क्या नहीं करनी, गलती नंबर एक दोस्तों यहाँ पे आपको ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बनाते समय कभी नहीं करनी, और उसके बाद फार्मूला बताएंगे, फिर उसके बाद आज का प्रेडिक्शन बताएंगे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। कप्तान कप्तान अगर आप लोग फंसाना चाहते हैं तो पहली गलती ये होती है कि आपको हाई सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे नहीं भागना। क्या दोस्तों, हाई सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे नहीं भागना। अगर आप लोग हाई सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे भागेंगे तो ड्रीम टीम में दोस्तों कभी भी आप लोग ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान 100% नहीं फंसा पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप हाई सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे भागते हैं तो आप लोग भूल जाइएगा, मेगा ग्रैंड लीग में आपको कप्तान कप्तान फंसने वाले हैं। और क्या करते हैं लोग,
जिस खिलाड़ी को ज्यादातर लोग कप्तान कप्तान बनाते हैं, जिसका सिलेक्शन रेट 40%, 30%, 18% होता है, वही खिलाड़ी आपको दोस्तों हरवा देता है। वो खिलाड़ी ड्रीम टीम में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, ये आपकी गलती है। और वो खिलाड़ी आप लोग ज्यादातर लेते हैं और 90% कंपटीशन वहीं पे बढ़ जाता है। आप लोग मान लेते धोखे से वो खिलाड़ी अगर कप्तान कप्तान बन भी गया तो क्या लगता है आपको वो कप्तान कप्तान ड्रीम टीम में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? आपकी रैंक ही नहीं आएगी, इतनी दूर चले जाएंगे, क्योंकि 90% लोगों के वो हाई सिलेक्शन परसेंटेज वाला खिलाड़ी कप्तान कप्तान बना हुआ है। ये दोस्तों एक ही वीडियो को नहीं, हर वीडियो में ये फार्मूला लागू होता है। उसके बाद दूसरी नंबर गलती ये आप लोग करते हैं, गलती नंबर दूसरी कि पिछले बार के जो कप्तान कप्तान बनते हैं, पिछले बार जो टीम में दोस्तों कप्तान कप्तान बनते हैं तो 80% लोग उन्हीं खिलाड़ियों को कप्तान कप्तान बनाते हैं। ज्यादातर दूसरी गलती ये लोग करते हैं ड्रीम टीम में दोस्तों टीम बनाने से पहले, दूसरी गलती क्या करते हैं, पिछले बार जो खिलाड़ी ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बन जाते हैं उन्हीं खिलाड़ियों को लोग कप्तान कप्तान बनाने की कोशिश करते हैं और 100% दोस्तों कप्तान कप्तान यहां पे आपको नहीं मिलते। और वो खिलाड़ी एक बार ड्रीम टीम में दोस्तों बन जाए, बहुत ही रियर केस, मतलब 1% चांस होते कि वो खिलाड़ी बैक टू बैक कप्तान कप्तान ड्रीम टीम में बने, या दोस्तों नहीं बन सकता, ये गारंटी है। तीसरी गलती क्या है दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि ड्रीम टीम में आपको दोस्तों कभी भी कप्तान कप्तान बनाना है तो आप लोग गलतियां ये करते हैं कि दोस्तों दूसरे के बताए हुए कप्तान कप्तान आप लोग विश्वास कर लेते हैं। कोई बता दिया हाई सिलेक्शन परसेंटेज, कोई भी बड़ा यूट्यूबर, कोई भी दोस्तों यहाँ पे फैंटेसी वाला या जो अपने आप को बहुत बड़े तानाशाह समझते हैं वो लोग बता दे, दूसरे के बताए हुए कप्तान कप्तान आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग अपने दिमाग से दोस्तों क्या नहीं करते, सिलेक्शन नहीं करते। अगर आपको अपने दिमाग से कप्तान कप्तान का सिलेक्शन रेट करना आ जाए तो 100% दोस्तों आप लोग दोस्तों जब भी एक खिलाड़ी को दोस्तों लेते हैं तो दूसरे खिलाड़ी को 100% रिस्क नहीं लेते। आपने दोस्तों मान लेते हैं बल्लेबाज का आपने दोस्तों हाई सिलेक्शन परसेंटेज से सिलेक्ट कर लिया और दूसरे को दोस्तों रिस्क लेना सीखिए। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेते हैं तो दोस्तों आप लोग कभी भी ड्रीम टीम में दोस्तों कप्तान कप्तान नहीं फंसा सकते। और दोस्तों पूरे आईपीएल इतिहास का गवाह है कि अगर बल्लेबाज दोस्तों हाई सिलेक्शन परसेंटेज से फंस रहा है तो वाइस कैप्टन आपको दोस्तों ड्रीम टीम में कौन सा कप फंसेगा, जो दोस्तों जिसका सिलेक्शन रेट 1-2% आधा परसेंट होगा वाइस कैप्टन, और जो 3 विकेट निकालेगा वही वाइस कैप्टन बनेगा। ये दोस्तों आपको हमने फार्मूले बता दिए कि क्या क्या गलती नहीं करनी आप लोगों को। ये फार्मूले हर एक मैच में लागू होते हैं और आप लोगों को जबरदस्त तरीके से ये कॉम्बिनेशन बताया गया। तो दोस्तों अब कॉम्बिनेशन बारी है कि आप लोग इस 3 फार्मूले कौन कौन से हैं जिनको आप लोग ड्रीम टीम में यूज करके कप्तान कप्तान 100% फंसा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक नंबर फार्मूला नंबर एक और दूसरा नंबर फार्मूला, तीसरा नंबर फार्मूला, 3 गलतियां बताते हैं और 3 फार्मूले बताते हैं कप्तान कप्तान आपको ड्रीम टीम में। यही से दोस्तों आप लोग 5 खिलाड़ी हटा देंगे, आराम से एलिमिनेट करेंगे कि ये आज के मैच में कप्तान कप्तान नहीं बन सकते। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 100% आपके कप्तान कप्तान फंसेंगे। और आप लोग देखिएगा कि दोस्तों कप्तान कप्तान कैसे फंसाया जाता है, आप लोगों का जो लॉजिक है ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान फंसाने का वो क्या आप लोग गलतियां करें, वो गलतियां आप लोग समझ गए। अब दोस्तों आपको सूत्र है जो 1-3 फार्मूला 1-2-3 नंबर का फार्मूला होता है। अब इस नंबर में आपके सामने पहले नंबर पर बल्लेबाज आते हैं, पहले नंबर पर बल्लेबाज आते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं ऑलराउंडर, और तीसरे नंबर पर दोस्तों यहां पे आपके सामने आते हैं कौन से दोस्तों, गेंदबाज। तीन खिलाड़ी के अलावा और किसी को आप लोग कप्तान कप्तान नहीं बना पाएंगे, ये भी आप लोग लिख कर लीजिए तीसरे नंबर पर। और दोस्तों टीम कौन मतलब पिच कौन कौन सी होती थी, ये 3 फार्मूले तो आपने देख लिया। और पिच नंबर दोस्तों होती ए पिच होती है, बी पिच होती है और सी पिच होती है। ये 3 पिच के अलावा दोस्तों आपको पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में या कहीं भी दोस्तों आप खेलेंगे ए बी सी पिच के अलावा कोई भी पिच नहीं मिलेगी। ए पिच कौन सी होती है, जहां पे आपको दोस्तों बल्लेबाज रन जम के कूटते हैं, ए पिच नंबर वो होती है, एक पिच नंबर जो बल्लेबाज जबरदस्त रन बनाते हैं। दूसरी पिच ये होती है कि बल्लेबाज दोस्तों वहां पे आपको जरूर दोस्तों रन बनाते हैं मगर गेंदबाज विकेट भी चटकाते हैं, मतलब कि बैलेंस पिच होती है। पहले नंबर पर बैटिंग पिच आती है, दूसरे नंबर पर बैलेंस पिच आती है, तीसरे नंबर पर कौन सी पिच आती है, तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पे गेंदबाजी पिच आती है। दोस्तों गेंदबाजों को जिसमें फायदा मिलता है वो पिच यहाँ पे सी नंबर पर गेंदबाज दोस्तों वहां पे कप्तान कप्तान बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ड्रीम टीम में आपको हमने 3 कॉम्बिनेशन बता दिया ए बी सी का, और 1-2-3 का फार्मूला बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा सीवीसी फंसाने के लिए, 100% यहीं पे आपको सीवीसी फंसा कर देंगे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से। तो दोस्तों कभी भी बल्लेबाज सेक्शन से अगर आप लोग कप्तान कप्तान बनाते हैं, बल्लेबाज सेक्शन से अगर आप लोग कप्तान कप्तान बनाते हैं तो दोस्तों उसी बल्लेबाज को कप्तान कप्तान बनाना जो दोस्तों आपको ड्रीम टीम में कितने रन बना सके, दोस्तों आपको 70+ रन बना दे।
जो 70+ रन बना सकता है उसी बल्लेबाज को आप लोग कप्तान कप्तान ट्राई करना ड्रीम टीम में, या फिर दोस्तों जो 50 रन से नीचे बनाता है उसके बारे में कप्तान कप्तान के बारे में ड्रीम टीम में बनाना मतलब लेना ही नहीं। और दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कप्तान कप्तान में बल्लेबाज आपको ड्रीम टीम में 70+ रन कौन कौन बना सकते हैं। चौथे आठवें नंबर के बल्लेबाज ड्रीम टीम में कभी कप्तान कप्तान नहीं बना पाते वो दोस्तों टॉप नंबर के बल्लेबाज हो सकते हैं, तीसरे और चौथे नंबर के बल्लेबाज। इसके बाद वाले बल्लेबाज बहुत ही मुश्किल केस होता है जो 70-80 रन बना दे, या तो टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो आपको उसके पास ओवर बन जाता खेलने के लिए, तब वो दोस्तों आपको वही बैटिंग पिच पर दोस्तों वहां पे बल्लेबाज बना सकते हैं। जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फ्लॉप हो जाते हैं तो सेकंड ऑर्डर नीचे बल्लेबाज बहुत मुश्किल होता है वो 70+ रन बनाए, तो उन बल्लेबाजों को आपको कप्तान कप्तान कभी नहीं ट्राई करना। दूसरा नंबर आता है ऑलराउंडर सेक्शन से, आपको दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से कौन से खिलाड़ी को कप्तान कप्तान आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन से वही खिलाड़ी को आपको कप्तान कप्तान ट्राई करना है जो दोस्तों एक विकेट निकाल सकता है, जो एक विकेट निकाल सकता है। जो लोग ध्यान से सुनेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, और जो लोग दोस्तों वीडियो नहीं ध्यान से सुनेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। ये भी बता देता हूं कप्तान कप्तान फंसाना है 2 करोड़ 4 करोड़ जीतना, ड्रीम इलेवन से लाखों रुपए जीतना, तो आपको पूरा वीडियो देखना ही है। तो दोस्तों अब बात आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको नहीं है जो दोस्तों यहाँ पे कप्तान कप्तान समझने में कोई दिक्कत होगी। ऑलराउंडर सेक्शन से उस खिलाड़ी को आपको कप्तान कप्तान बनाना है जो ड्रीम टीम में दोस्तों आपको बता दे दो एक विकेट झटक देता हो, जो ऑलराउंडर एक विकेट या दो विकेट आराम से झटक दे उस खिलाड़ी को आपको ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बनाना है, या फिर दोस्तों आपको कितने रन बना दे, या फिर दोस्तों आपको वो 40 रन या 30 रन बना सकता है जो ऑलराउंडर दोस्तों उसी को जो जिस ऑलराउंडर को गेंदबाजी मिलती है और दोस्तों गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से आपको रन बनाकर दे सकता है उस ऑलराउंडर को दोस्तों आप लोग कप्तान कप्तान बना सकते हैं। अब गेंदबाज सेक्शन से आपको किसको किसको बनाना है, तो गेंदबाज सेक्शन से दोस्तों कप्तान कप्तान उसी गेंदबाज को बनाना है जो दोस्तों ड्रीम टीम में क्या कर सकता है 3 विकेट ले सकता है, जो 3 विकेट ले सकता है या फिर 4 विकेट ले सकता है। 3 विकेट लेने वाले को हमेशा आप लोग वाइस कैप्टन आंख मूंद करके बनाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और 4 विकेट लेने वाले गेंदबाज को आप लोग दोस्तों क्या बना सकते हैं, कप्तान बना सकते हैं इसी कॉम्बिनेशन के ऊपर ड्रीम टीम में। दोस्तों देख सकते हैं पिछले मैच में रविंद्र जडेजा दोस्तों यहाँ पे 3 विकेट झटके हैं, कप्तान भी बन गए हैं, और दोस्तों तुषार देशपांडे भी दोस्तों 3 विकेट लिए, वो वाइस कैप्टन बन चुके हैं। तो इसी का फार्मूले के आधार पर दोस्तों कप्तान कप्तान हर बार आपको ड्रीम टीम में फंसते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों एबीसी फार्मूला जो हमने पिच बताया, बैटिंग पिच, बॉलिंग पिच, या फिर दोस्तों गेंदबाजी पिच कौन कौन सी है, बैलेंस पिच, तो दोस्तों अगर बैटिंग पिच है तो बल्लेबाज सेक्शन से आपको कप्तान कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे, और दोस्तों अगर बैलेंस पिच है तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन से कप्तान कप्तान बनते हुए दिखाई देंगे। अगर गेंदबाजी सेक्शन है मतलब यहाँ पे गेंदबाज के लिए बैलेंस मतलब अच्छी पिच है तो वहां पे आपको गेंदबाज सेक्शन से आपको वाइस कैप्टन 100% बनते हुए दिखाई देंगे। बहुत रियर केस होता है कि ड्रीम टीम में कप्तान बहुत कुछ मिलते हैं, मगर वाइस कैप्टन 100% दोस्तों आपको 2-3 मैच में जरूर मिलते हुए दिखाई देंगे जिनका सिलेक्शन रेट बहुत कम है। तो दोस्तों आज के मैच में आपने कप्तान कप्तान का ये कॉम्बिनेशन देख लिया। अब दोस्तों बारी की, आपको हम सभी खिलाड़ियों के बारे में बताया कि आज के खिलाड़ी कौन कौन से, किनका क्या सिलेक्शन रेट है, किस किस खिलाड़ी को ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान बनाया जा सकता है, और लोग तो क्या है, लोग दोस्तों ऐसे ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बना रहे हैं जिनका दोस्तों हाई सिलेक्शन परसेंटेज है, और हाई सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे आपको नहीं भागना दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 100% आप लोग थोड़ा सा दोस्तों यहां पे आप लोग ड्रीम टीम में कप्तान कप्तान 100% फंसा कर चलेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे खिलाड़ी हमने कुछ इकट्ठा कर लिए हैं, और दोस्तों ये कप्तान कप्तान का कॉम्बिनेशन है जबरदस्त तरीके से। और दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें जबरदस्त तरीके से आप लोग ड्रीम टीम में दोस्तों यहां पे किस किस खिलाड़ी को कप्तान कप्तान के लिए दोस्तों टीम में प्रेडिक्शन, पंजाब वर्सेस यहां पे दोस्तों देख सकते हैं हैदराबाद का मुकाबला है, और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों चलिए एक बार बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं दोस्तों जय सन्यासी बाबा की, जय दादाजी गुरुजी महाराज की, जय बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम की, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और कप्तान कप्तान इसी कॉम्बिनेशन से दोस्तों आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हैं कप्तान कप्तान का जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे पूरे YouTube पर आप लोग जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं आज के मैच में कप्तान कप्तान किसको बनाया जा सकता है, किसको नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों देख सकते हैं हेनरी क्लाइसन हो गए, यहां पे देख सकते हैं सभी खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों किसको आप लोग कप्तान बना सकते हैं और किसको नहीं बना सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग कप्तान कप्तान नहीं बनाते हैं तब आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। देख सकते हैं यहां पे टीम में दोस्तों दोनों तरफ के खिलाड़ी हैं जो कप्तान कप्तान बनने के प्रबल दावेदार हैं। तो दोस्तों आपको रिस्की खिलाड़ी भी दिखाई देंगे जो कप्तान कप्तान बन सकते हैं आज के मैच में ऐसे खिलाड़ी। और दोस्तों पिछली लाइनअप की भी बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पिछली लाइनअप में किस प्रकार से खिलाड़ियों को लिया जा रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके सामने ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सभी खिलाड़ी यहाँ पे आपको देख सकते हैं
ज्यादातर दोस्तों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्या ऑप्शन होता है, कप्तान उपकप्तान, दोस्तों सभी लोग यहां पे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लेकर के जा रहे हैं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन छोड़े जाते हैं, यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे बात करेंगे कि कौन कप्तान उपकप्तान बनेगा, वो दोस्तों बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहां पे जबरदस्त तरीके से। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कप्तान उपकप्तान का, अगर हम सिलेक्शन डेट की बात करें तो यहां पे कप्तान उपकप्तान का सिलेक्शन डेट आपके सामने हेनरी क्लाइसन है। हेनरी क्लाइसन दोस्तों यहां पे, अगर दोस्तों जो लोग टीम बनाते हैं टीम में लाइनअप घोषित होने के बाद उनको टाइम नहीं मिलता कप्तान कप्तान का वीडियो देखने के लिए, तो इसीलिए स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है। हेनरी क्लाइसन को 11.22% लोग कप्तान बना रहा है, उसके बाद 9.73% लोग वाइस कैप्टन बना रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों जानी बेरेस्टो, देख सकते हैं 4.35% लोग कप्तान बना रहे हैं, 4.42% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो 20.47% लोग कप्तान बना रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं को कप्तान बना रहे हैं। उसके बाद 11.4% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। शिखर धवन की बात की जाए तो 11.92% लोग कप्तान बना रहे हैं, 13.41% लोग शिखर धवन को वाइस कैप्टन बना रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 13.83% लोग वाइस कैप्टन कप्तान बना रहे हैं ट्रेविस हेड को, 10.76% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं प्रभ सिमरन सिंह की बात की जाए, प्रभ सिमरन सिंह को देख सकते हैं 1% नाम मात्र का दोस्तों यहां पे सिलेक्शन रेट है कप्तान के लिए, प्रभ सिमरन का 1% है। और वाइस कैप्टन देख सकते हैं 1.42%। हालांकि प्रभ सिमरन सिंह कप्तान उपकप्तान नहीं बनेंगे ड्रीम टीम में। उसके बाद देख सकते हैं सैम करन को बहुत ज्यादा लोग कप्तान बना रहे हैं, 17.94% लोग, और यहाँ पे 17.7% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं प्रभ सिमरन सिंह को। उसके बाद बात करते हैं एडम मार्कन को, देख सकते हैं 6.64% लोग कप्तान बना रहे हैं, 11.56% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप गेंदबाज सेक्शन से बात करते हैं कि कौन कौन से हैं जो गेंदबाज आपको ड्रीम टीम में कप्तान उपकप्तान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे कस्कर वाडा 1.82% लोग कप्तान बना रहे हैं, 1.37% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं। यहाँ पे पैट्स कमिंग दोस्तों आपको कप्तान कप्तान बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पैट्स कमिंग भी आपको 2-3 विकेट आराम से निकाल सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 2.53% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं पैट्स कमिंग को। और यहाँ पे देख सकते हैं अर्शदीप सिंह को 1.37% लोग कप्तान बना रहे हैं, 2.18% लोग कप्तान बना रहे हैं वाइस कैप्टन बना रहे हैं अर्शदीप सिंह को। अब दोस्तों वाइस कैप्टन ज्यादातर यही गेंदबाज सेक्शन से बनते हैं, आपने देखा होगा कप्तान उपकप्तान बहुत रियर केस होता है कि दोस्तों आपको कप्तान उपकप्तान गेंदबाज सेक्शन से मिल जाए। अगर बैलिंग पीछे या बैलेंस पीछे तभी दोस्तों कप्तान उपकप्तान, अगर बैटिंग पीछे तो बल्लेबाज ही आपको कप्तान बनता हुआ दिखाई देंगे, वाइस कैप्टन चाहे गेंदबाज आ जाए, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए बहुत ज्यादा विकेट मिल जाते हैं, जिस गेंदबाज को वो वाइस कैप्टन बन सकता है और उसका सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है। तो आज के मैच में सभी खिलाड़ियों को आपने कप्तान उपकप्तान का कॉम्बिनेशन देख लिया, तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आपको दोस्तों कप्तान उपकप्तान 100% फंसा कर दिए जाएंगे। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा आपकी मनोकामना पूरी होगी, जय बालाजी महाराज जी, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु जी महाराज की, तो आप लोग कमेंट करिएगा। और आज के मैच में चलिए कप्तान उपकप्तान बताते हैं कि कौन कप्तान उपकप्तान बन सकता है। तो पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों यहां पे अगर बात कर लेते हैं कप्तान, आप लोग दोस्तों हाई सिलेक्शन परसेंटेज के पीछे मत भागना कि आप लोग ज्यादातर अभिषेक शर्मा को लोग कप्तान बना रहे हैं, तो आप लोग अभिषेक शर्मा को और यहां पे सैम करन को ही कप्तान बना दे। ज्यादातर लोग ये कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं, जो कि दोस्तों ड्रीम टीम में आपको ये कॉम्बिनेशन कप्तान उपकप्तान का बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये कॉम्बिनेशन आपको लोग दोस्तों सभी लोग ड्रीम टीम में 90% भेड़ चाल चल रही है, और ये कॉम्बिनेशन मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि फ्लॉप होगा, ये कॉम्बिनेशन ड्रीम टीम में दोस्तों काम नहीं करने वाला। ज्यादातर लोग सैम करन को कप्तान बना रहे हैं, अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बना रहे, तो ये कॉम्बिनेशन आपको लेकर के नहीं चलना है कप्तान उपकप्तान का, तो फिर कौन कौन सा कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो आप लोग दोस्तों यहां पे कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप लोग दोस्तों सैम करन को वाइस कैप्टन ट्राई करना, सैम करन को वाइस कैप्टन ट्राई करना, क्योंकि बैलेंस पीछे दोस्तों सैम करन को वाइस कैप्टन ट्राई करना। और दोस्तों आप लोग यहां पे शिखर धवन है जैसे कि, या फिर दोस्तों यहाँ पे ट्रेविस हेड, इन दोनों में किसी एक को कप्तान ट्राई कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पे कप्तान कप्तान के कॉम्बिनेशन फेल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहला कॉम्बिनेशन बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से हम दोस्तों 5 कॉम्बिनेशन बताएंगे। ट्रेविस हेड को कप्तान बनाइएगा और यहाँ पे सैम करन को वाइस कैप्टन बनाइएगा, ये पहला कॉम्बिनेशन आपके सामने है। जबरदस्त तरीके से जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद आए वो कॉम्बिनेशन आप लोग कप्तान कप्तान का बेझिझक ट्राई कर लेना। आप लोग 2 कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं 2 ले लेना, 3 लेना चाहते हैं 3 ले लेना, बहुत से लोग 6-6 टीम बना रहे हैं, तो उनको भी दोस्तों यहाँ पे मदद मिल जाएगी कप्तान उपकप्तान चूज करने के लिए। तो बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से दोस्तों हमने ट्रेविस हेड को कप्तान बनाया, सैम करन को वाइस कैप्टन बनाया। अब दूसरे कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दोस्तों दूसरा कॉम्बिनेशन ये है
कि आप लोग एडम मार्कन को दोस्तों कप्तान ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम लोग कप्तान ट्राई कर रहे हैं एडम मार्कन को। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कशगर रबाडा को आप लोग दोस्तों, या फिर दोस्तों यहाँ पे हरसिदीप सिंह दोस्तों पिछले मैच में ड्रीम टीम नहीं आए तो इनको वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। वाइस कैप्टन जिसकी खिलाड़ी देख सकते हैं हरसिदीप सिंह को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, एडम मार्कन को कप्तान बना सकते हैं। ये दूसरा कॉम्बिनेशन है कप्तान उप कप्तान का। अब दोस्तों तीसरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जबरदस्त तरीके से आप लोग दोस्तों, ओपनर बल्लेबाज यहाँ पे देख सकते हैं हेनरी क्लाइसन को कप्तान बना सकते हैं और यहाँ पे जॉनी ब्रेस्टो को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये तीसरा कॉम्बिनेशन है बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से देख सकते हैं, हेनरी क्लाइसन दोस्तों कप्तान बनाया जा रहा है और यहाँ पे जॉनी ब्रेस्टो वाइस कैप्टन बनाया जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन भी कप्तान कप्तान का बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज्यादातर लोग इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए कि जिसमें लोग कॉम्पिटिशन कम हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आप लोग शिखर धवन को कप्तान बना सकते हैं, अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी आपके लिए दोस्तों चौथा कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हैं, चौथा कॉम्बिनेशन आप लोग देख सकते हैं, शिखर धवन को आप लोग कप्तान बना सकते हैं और उसके बाद अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ये चौथा कॉम्बिनेशन आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से शिखर धवन को कप्तान बनाया गया, अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया गया। उसके बाद दोस्तों आप सबका एक मनपसंद जो कॉम्बिनेशन आप लोग लेकर के चल रहे हैं बागेश्वर बाबा, वो कॉम्बिनेशन भी देंगे आप लोग। चलिएगा आप लोग यही भी कॉम्बिनेशन ले चलते हैं, अभिषेक शर्मा को आप लोग कप्तान बना रहे हैं, आप लोग अभिषेक शर्मा को कप्तान बना रहे हैं और यहाँ पे सैम करन को वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। ये थोड़ा सा उल्टा कर दीजिएगा, जिसको ज्यादातर कप्तान बना उसको वाइस कैप्टन, जिसको वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे उसको कप्तान। ये कॉम्बिनेशन पांचवा कॉम्बिनेशन, अभिषेक शर्मा को यहाँ पे दोस्तों आप लोग कप्तान ट्राई कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा हालांकि ड्रीम टीम में दोस्तों लगातार आ रहे हैं तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे अभिषेक शर्मा कप्तान, सैम करन को वाइस कैप्टन। तो पांच पांच कॉम्बिनेशन दिए गए बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से और 100% आप लोगों को दोस्तों बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से टीम में कॉम्बिनेशन जो मिले हैं बहुत ही नंबर एक के कॉम्बिनेशन है और बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से आज के मैच में यही कॉम्बिनेशन ड्रीम टीम में फंसने वाले। तो दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और ड्रीम इलेवन पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाखों करोड़ रुपए जीतने का मौका मिल रहा है, जरूर जीतिएगा।